हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम निशा अरोड़ा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपका कल का दिन बहुत अच्छा गया होगा। सब लोगों ने प्रॉपर तरीके से डाइट ली होगी एंड एक्सरसाइज की होगी, और डाइट इतनी मुश्किल नहीं थी कि आप कर ना सको। मैंने बहुत अच्छी चीज़ें खाने को दी थी, लाइक राजमा चावल, चिल्ला और आपकी फेवरेट जो भी चीज़ आप खाते हो, ऐसी सारी चीज़ें मैं आपको आपकी डाइट में रोज़ खाने को दूंगी, जिससे कि आपको ये 10 डेज का वर्कआउट चैलेंज विद डाइट बहुत ही आसान लगने वाला है। गाइस, ऐसी कोई चीज़ नहीं दूंगी जो आपको बाहर से मंगानी पड़ेगी। इजी वे में घर से बनाओगे, घर से खाओगे, घर पे ही वर्कआउट करोगे, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी इन 10 डेज में आप अपना वेट लॉस करोगे। तो आई होप आज सबने अपना वेट चेक किया होगा और आप लोगों ने अपने बॉडी पार्ट्स, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी ब्रेस्ट, वेस्ट, हिप्स, थाइस, आर्म्स, इसका मेजरमेंट जरूर लेके रखिए और आपकी एक बिफोर की पिक्चर जरूर खींचिए, क्योंकि 10 डेज के बाद जब आप अपनी पिक्चर देखेंगे तो आपको काफ़ी बहुत सारा चेंज दिखने वाला है अपने खुद के फेस में। और एक कोई आपकी ड्रेस जो आपको टाइट है वो पहन के देख लीजिए आज, क्योंकि 10 दिन के बाद वो लूज होने वाली है, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। चलिए, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मुझे नहीं जानते, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। आई एम निशा अरोड़ा और मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आती हूँ हेल्दी रेसिपीज, होम वर्कआउट एंड बहुत अच्छी डाइट, जिसको खाकर आप वीकनेस बिल्कुल फील नहीं करेंगे और आपकी बॉडी अच्छा खासा वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। अब बात करते हैं कि ये जो 10 डेज का वर्कआउट चैलेंज है, उसमें ये है आज का सेकेंड डे। तो इसमें भी मैं आपको डाइट बताऊंगी, मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी आपको कैसे फॉलो करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। कल मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उसके ऊपर कुछ मेरे फॉलोअर्स ने अपने कमेंट्स लिखे थे, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि अगर उन्होंने हार्डवर्क किया तो उनका एप्रिसिएशन भी बनता है। गाइज, पहला कमेंट है मनदीप कौर जी का जर्मनी से, जिन्होंने लिखा है कि आपको फॉलो करके मैंने 94 kg से 68 kg वेट किया है, थैंक यू सो मच। तो गाइज, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो लोग मेरे साथ एज अ क्लाइंट जुड़े हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपना वेट लॉस करते हैं, मेरे फॉलोअर्स भी बहुत अच्छा खासा वेट लॉस करते हैं। तो मनदीप जी, थैंक यू सो मच कि आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं और आपने इतना अच्छा खासा वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन किया। नियर अगर मैं बात करूं, आपने 26 किलो के करीब शायद अपना वेट लॉस किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकेंड कमेंट यहां पर है डिंपल ठाकुर जी का, जो कह रही हैं कि हेलो मैम, आई रिड्यूस 16 kg वेट लॉस विद योर डाइट एंड एक्सरसाइज, थैंक यू सो मच डिंपल। डिंपल मेरी क्लाइंट नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी डाइट, YouTube डाइट और एक्सरसाइजेज से अपना 16 किलो वेट लॉस कर लिया है। तो गाइज, अगर पैशन हो ना, तो मैंने कल भी बोला था, जरिए बहुत सारे हैं और आप कर सकते हो। थर्ड कमेंट यहाँ पर है हमारे पास जैफी जी का, उन्होंने बोला है थैंक यू मैम, आपकी हेल्प से मैंने 1 महीने में 7 किलो वेट लॉस किया। तो अगर एक इंसान 1 महीने में 7 किलो वेट लॉस कर सकता है ना गाइज, तो आप बहुत अच्छा बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जब मैं टिकटॉक पे वीडियोस डालती थी ना, तो लोगों ने बोला कि अगर ये इस तरीके से वेट लॉस कराएगी 1 महीने में 6 किलो 7 किलो, तो ये तो 1 साल में आदमी गायब कर देगी। बट मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपनी बात में आज भी अडिग हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। मैं किसी का वेट लॉस नहीं करा रही दोस्तों, ये आपका खुद का पैशन और हार्डवर्क है जिसकी वजह से आप वेट लॉस कर रहे हैं। बस मैं हमेशा इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ कि आप मेरी एक्सरसाइजेज और मेरे डाइट्स को अच्छा फील करते हैं, आपको लगता है कि मुझसे आपको मोटिवेशन मिलता है और आप वेट लॉस कर सकते हैं। मेरा तरीका सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको अच्छे से वेट लॉस कराऊँ, आपकी बॉडी में किसी तरह की वीकनेस ना आए, आप फुल ऑन मोटिवेट होकर अपना वेट लॉस करें। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर है आकांक्षा जी का, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, सारे कमेंट्स में मेरी कल वाली वीडियो ही लगी हुई है, यानी ये मैं सिर्फ कल के कमेंट्स की बात कर रही हूँ और जितने मैंने लिए सिर्फ 7-8 उन्हीं की बात कर रही हूँ। अभी तो नीचे और बहुत सारे थे, मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाई। ये आकांक्षा जी का है जिन्होंने बोला है ईस्ट और वेस्ट निशा अरोड़ा इज़ द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो रिड्यूस माई वेट 10 kg विद इन 1.5 months, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच आकांक्षा जी। वैसे तो मैंने आपको वहीं पे कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है, बट थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद इन 1.5 months यू रिड्यूस योर 10 kg ऑफ वेट विद योर हार्डवर्क एंड मोटिवेशन, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर है एंजल जोत जी का, जो ये कह रहे हैं कि मैंने पहले भी एक्सरसाइज की है आपकी और 6 kg वेट लॉस किया है और मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पर, बट आपने रिप्लाई नहीं किया। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मैं ट्राई करती हूँ, मैं सबको रिप्लाई करूँ, बट जो लोग अपने लिए खुद करते हैं उनको तो मैं डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करती हूँ, सो आपके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बनता है।
एंड एक ये कमेंट है डोली कुशवाहा जी का, जो कह रही है थैंक्स मैम, मैंने आपकी वीडियो से 10 kg वेट लॉस किया, सो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस डोली जी। अगला कमेंट यहाँ पर है सुरभि गर्ग जी का, आई एम योर फैन फ्रॉम टिकटॉक, आई रिड्यूस्ड 5 kg इन 1 month फ्रॉम योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच। और एक कमेंट यहाँ पर है खुशबू जी का, हाय मैम, मैंने आपकी वीडियोस देखकर 2 months में 18 kg वेट लॉस किया है, थैंक यू सो मच। सो गाइज, यहाँ पर मैंने और बहुत सारे कमेंट्स लिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको सारे नहीं पढ़ के बता पाऊंगी, और ये सारे लगभग कल के ही हैं। एक कमेंट यहाँ पर आरती गुप्ता जी का है, मैम, मैंने आपकी एक्सरसाइजेज और आपकी हेल्दी डाइट से 15 kg वेट लॉस किया है, पहले मेरा वेट 65 था, अभी मेरा वेट 50 kg है, और मैं आपको फॉलो करके ही अपना टारगेट अचीव मैंने कर लिया है। बट मैम, मैं आपसे एक हेल्प चाहती हूँ कि मैं पिछले 15 दिनों से थोड़ा डिप्रेशन में हूँ, मेरा रेगुलर बहुत सरदर्द हो रहा है और मेरा मन शांत नहीं करता, और मुझे कुछ एडवाइस दीजिए, मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रही है अपनी लाइफ जीना। तो आरती जी, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने 15 kg वेट लॉस किया, मे बी इस 15 kg वेट लॉस के दौरान आप फुल ऑन मोटिवेटेड रही हैं, तो जब इतनी ज़्यादा मोटिवेट होकर आपने अपना वेट लॉस किया तो अभी लाइफ को ऐसे क्यों जीना है। देखिए, परेशानियाँ सबकी लाइफ में आती हैं। जब मैंने मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, 5 months में 40 kg वेट लॉस मेरे लिए मुश्किल, बहुत मुश्किल चीज़ थी, बट मैंने एक ही चीज़ सोच ली थी कि 5 महीने में मैं मीठा तो खाऊंगी नहीं, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। और मैंने उन 5 months में जब भी मेरा मीठा खाने का मन किया तो मैंने अपने घर में ऐसी चीज़ें बनाई जिसमें मैंने चीनी नहीं ऐड की, बट फिर भी मैंने उनको किसी न किसी तरीके से मीठा बनाया और मैंने उसको खाया। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं आपको भी खिलाऊंगी, मैंने गाजर का हलवा भी डाला है, अलसी के लड्डू भी डाले हैं, तो वो मैं आपको भी खिलाऊंगी और आपका वेट लॉस भी अच्छा खासा करवाऊंगी। दूसरी बात ये आती है कि आपके हर तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हर टाइम नेगेटिव करते हैं, आपके हर तरफ कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को ऐसा बना देती हैं जिसकी वजह से आप कभी कभी ऐसा फील करते हो कि पता नहीं मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है। लेकिन जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो हमें सिर्फ ये दिखता है कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों है, जबकि दोस्तों लाइफ सबकी ही मुश्किलों से भरी हुई है। आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी अपने खुद के लिए, कोई आपको रोज़ रोज़ मोटिवेट नहीं करने आएगा, कोई रोज़ आपको पुश नहीं करने आएगा कि आपको अपने लिए करना है। अगर आप खुद अपने लिए करना चाहते हैं तो एक मोटिवेशन अंदर से भी होना चाहिए कि मुझे करना है, और जिसने ये सोच लिया वो कर जाएगा। अब यहाँ पर ये तो बात थी कमेंट्स की, सब लोगों को वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा खासा वेट लॉस किया और आपने अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर किए। जिन लोगों के मैं नहीं बोल पाई, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बोलूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मैं लाइव प्रूफ की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिव्यू दिखाऊंगी। अब आप ये सोचेंगे कि मैम ने वीडियो लंबा कर दिया, देखो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनमें मोटिवेशन की कमी है, तो मुझे ये लगता है कि मुझे करना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप वीडियो को पूरा देखते हैं नहीं देखते, लेकिन देखते हैं तो मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी कि मैं यहाँ संगीता का एक वीडियो पोस्ट करना जा रही हूँ, उस वीडियो की एक एक लाइन को आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि वो एक एक लाइन आपने ध्यान से क्यों सुननी है, पहले चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। हाय गाइस, दिस इज संगीता फ्रॉम अजमेर, निशा दी की सुपर कूल क्लाइंट, खुद की तारीफ खुद ही कर रही हूँ मैं, दिया सॉरी। वैसे दी, बहुत 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 बिग वाला थैंक यू कि आपने मेरा थायराइड भी क्योर करवा दिया और आपने मेरा PCOD भी क्योर करवा दिया। गाइज, मैं आपको निशा दी की एक सुपर कूल बात बताना चाहती हूँ। मैं निशा दी को फ्रॉम टिकटॉक फॉलो कर रही हूँ, मैं 6 months से उनको फॉलो कर रही हूँ, अभी 1.25 महीने से मैं उनके साथ टच में हूँ, मतलब फुल ऑन टच। पहले के 5-5.5 महीने जो थे वो मैंने उनकी एक्सरसाइज फॉलो करके ही बहुत अच्छा खासा वेट रिड्यूस कर दिया, और अभी दी के साथ मैंने 1.25 महीने में 7 kg विथ गुड इंच लॉस एंड गुड फैट लॉस अपना वेट रिड्यूस किया है। सो दी, अपना टोटल फैट लॉस वेट लॉस हो गया है 36 kg ऑलमोस्ट 36 kg, और मैं इतनी हैप्पी हूँ ना दी, इतनी हैप्पी हूँ कि क्या बताऊँ। इंस्टा पे इतने गजब गजब कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं कि भाई कर क्या रही है तू, इतनी ग्लो भी मार रही है, वेट भी रिड्यूस कर रही है,
दी, आप बहुत बहुत सपोर्टिव हो, बहुत मोटिवेटिंग भी हो. सो गाइज वेक अप, दी की वॉइस सुन करके उठ जाया करो और वर्कआउट किया करो. वो सबको मोटिवेट कर रही है. और ये सही मैम को भेजना भी. और दी ये भी आपकी एक्सरसाइजेस देखता है और फॉलो करता है और सारा दिन यही बोलता है कि मैम को भेजना है क्या रिकॉर्डिंग, मैम को भेजना है क्या, बस यही चलता रहता है. बहुत ज़्यादा हैप्पी है, सब लोग हैप्पी है. इससे कभी पूछती हूँ ना कि यू भी मामा मोटी है या पतली है, तो अब ये भी बोलता है कि अब तो मामा पतले हो गए हो आप दी. बट हाँ ये बात ये मत सोचना कि आप मतलब रिड्यूस हो गए हैं तो मैं अब आपको छोड़ने वाली हूँ. मैं आपको अभी कम से कम 2-3 महीने नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मेरी जर्नी अभी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है. तो देखिए गाइज, आपने यहाँ देखा संगीता को. संगीता को मेरे साथ जुड़े सिर्फ 1.25 महीना हुआ है, उससे पहले वो मेरी एक फॉलोअर थी और इनको ऐड होने में भी मेरे साथ बहुत टाइम लग गया. काफ़ी टाइम से ये मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी थी लेकिन मैं इन्हें ऐड नहीं कर पाई. बट मेरे बिना ही संगीता ने अपना 26 से 27 किलो वेट लॉस किया, सिर्फ मेरी जो मैं टिकटॉक पे डाइट डालती थी और मैं एक्सरसाइजेस डालती थी. अब जब ये मेरे साथ जुड़ी हैं, इनका वेट स्टक हो चुका था, नहीं नीचे जा रहा था, ये बहुत परेशान थे कि मेरा वेट स्टक हो गया, नीचे ही नहीं जा रहा है. तो इन्होंने 1.25 महीने में अपना 7 kg वेट लॉस किया, ये अपने मुंह से बता रहे हैं. और साथ में इन्होंने अपना थायराइड भी कंट्रोल किया, पूरी तरह से इवन क्योर कर लिया और इनका PCOD भी ठीक हो गया. तो गाइज मैं हमेशा प्रूफ के साथ बात करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल दूँ आप ये खा लो आप वो खा लो आपका वेट लॉस हो जाएगा. कभी भी ऐसे आपको मैं सिंपल बोल दूँ कि ये कर लो वो कर लो हो जाएगा, नहीं होता गाइज. बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है आपके वेट लॉस में, वो मेन होती है आपकी डाइट. अगर आपकी डाइट आप पूरी ईमानदारी से जितनी मैं बोलूंगी बिना चीटिंग के आप सही लेंगे, प्लस आप उतनी एक्सरसाइज करेंगे जितनी मैं आपको बता रही हूँ, आपका वेट लॉस होगा. लेकिन उसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है. जैसे संगीता का वीडियो देखा, आपके मन में आएगा कि अगर ये निशा मैम की क्लाइंट ना होकर भी 26 से 27 किलो वेट लॉस कर सकती हैं, हम 10 किलो भी नहीं कर सकते, 5 किलो भी नहीं कर सकते. अगर आप ये सोचेंगे तभी आप कर पाएंगे. तो चलिए ये तो बात थी मोटिवेशन की, अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो पे. नहीं मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आप गालियाँ निकालोगे मुझे और मेरे को भी एडिटिंग करने में बहुत मुश्किल होने वाली है. तो गाइज आज है हमारा day 2. सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है #day2stayfitwithnishaarora. दूसरी चीज, आपने अपना कल का वर्कआउट कंप्लीट किया कि नहीं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. तीसरी चीज, आप अपना वेट जरूर लिखेंगे और बॉडी मेजरमेंट जितना आपने लिया था वो जरूर लिखेंगे, ताकि आप डेली जो है अपना वेट चेक करें और डेली आप वो करते रहें. अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आज डाइट की बात करूंगी, आपको डाइट क्या लेनी है. मैं हमेशा नोट करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे रिजल्ट्स चाहिए आपसे कि आप सब लोगों का बेनिफिट हो. तो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले जो काम करना है, आपको लेना है 2 ग्लास वार्म वाटर. इसमें आपको ऐड करना है 1/2 चम्मच हनी और 1 नींबू. बस 1 नींबू से ज़्यादा आपको स्क्वीज नहीं करना, क्योंकि पानी 2 ग्लास है. इसको पीने से आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाएगी. ये आपको बैठकर सिप सिप करके पीना है, बैठकर ही पीना है गाइज, इस बात का ध्यान रखना है. पानी पीने के बाद आप वॉशरूम जाएंगे, आप वॉशरूम जाने के बाद अगेन अपना वेट चेक करेंगे, उसको एक नोटबुक पर लिख लीजिए, मेरा कल का वेट इतना था आज का इतना है. देन उसके बाद आपको लेना है 15 मिनट के बाद 1 बिग साइज का एप्पल. एप्पल को अच्छे से वॉश करना है, बिना पील किए ही आपको एप्पल को छिलके के साथ खाना है. और ये भी आपको बैठकर पूरी तरह से चबा चबा के अपनी बॉडी को 5-7 मिनट देने हैं, फिर खाना है. अब एप्पल खाने के बाद आपको करना है आपका वर्कआउट, जो मैं डाइट प्लान के बाद स्टार्ट करूंगी, आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे करना है. अब बारी आती है वर्कआउट के बाद आपको क्या लेना है. तो वर्कआउट के बाद रहेगी आपकी ब्रेकफास्ट की बारी. मैंने कल बता दिया था आपको किस किस टाइम पे मील लेना है. जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, कल वाला दोबारा देखो, क्योंकि टाइमिंग मैं बार बार रिपीट करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है. ब्रेकफास्ट में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 2 ऑप्शन. आप लेंगे या तो 1 बॉल मिक्स्ड वेजिटेबल पोहा. अब मिक्स्ड वेजिटेबल पोहा आपको कैसे बनाना है ध्यान से सुन लीजिएगा, रेसिपी मेरे चैनल पर नहीं है इसलिए मुझे बोल के ही बतानी पड़ेगी. आपको लेनी है खूब सारी सब्जियां, जिसमें आप लेंगे मटर, टमाटर,
प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, और अगर आप थोड़ी सी पनीर ले सकें, आपको ये सारी सब्जियां लेनी है। एक पैन में आपको डालना है एक स्पून ऑयल, उसमें आपको थोड़ा सा जीरा डालने के बाद ये सब्जियां डालें और अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको सिर्फ इसमें डालना है हल्दी और नमक, और आपको कुछ भी नहीं डालना। सब्जियों को अच्छे से पकाएं, जो आपने पोहा धोकर रखा है उसको आप 2 मिनट के लिए छोड़ दें, वो थोड़ा फूल जाएगा, उसको आप पैन में डाल लें, मिक्स करें अच्छे से, और खाते टाइम थोड़ा सा काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे और आपका पनीर आप इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये आप पोहा लेंगे, और आपको ये जो पोहा लेना है वो एक बॉल लेना है, इतने साइज का बॉल होना चाहिए, साथ में नॉर्मल कप जो दूध का होता है इतना कप दूध का। कल कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था मैं दूध नहीं पीती, आपको पीना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके साथ, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद बॉडी थकेगी और बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है जो पनीर और दूध से आपको मिलेगा। तो ये कंपलसरी है, मैं चाय बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। अब जो लोग नहीं पीना चाहते वो जर्नी क्विट कर दें, क्योंकि मैं ये बोलूंगी कि चाय आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, नहीं लेनी मतलब नहीं लेनी, आपको दूध ही लेना है। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए रहेगा 2 ब्राउन ब्रेड आपको लेने हैं और आपको उसका एक सैंडविच बनाना है। ये भी आप पनीर के साथ खूब सारी कच्ची सब्जियां मिक्स करेंगे और उसके अंदर नमक और मिर्च ही ऐड करेंगे, और आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, इसको मिक्स करके आप एक मिक्सचर बना लेंगे और दोनों ब्रेड के बीच में आपको ये लगा लेना है, और फिर इसको आपको तवे पर रोस्ट कर लेना है बिना घी के, अच्छे से दोनों तरफ से वो क्रिस्पी हो जाएगा। ये आपको एक सैंडविच लेना है 1 कप दूध के साथ। तो ये आपके ब्रेकफास्ट के 2 ही ऑप्शन रहेंगे, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आपको यही खाना है। देन बारी आती है मिड मॉर्निंग मील की, अगेन 2.5 घंटे के बाद ही लेना है। मिड मॉर्निंग मील में लेंगे आप 1 कटोरी पपाया, इस साइज का बॉल होना चाहिए, पपाया पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए, कच्चा पपाया आप नहीं लेंगे। अगर पपाया अवेलेबल नहीं है पका हुआ, देन 1 ऑरेंज लेंगे, 2 ऑप्शन आपके पास यहां भी रहेंगे। फिर बारी आती है आपकी लंच की, अगेन 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए। लंच में मैंने एक रेसिपी पोस्ट की थी राइस लवर्स के लिए, चना मसाला बिरयानी, तो आपको ये अपने लंच में लेना है चना मसाला बिरयानी। और आपको क्या करना है, आपको 1 कटोरी, छोटी कटोरी चना मसाला बिरयानी लेनी है, बहुत बड़ी कटोरी नहीं लेनी है गाइस, इतने से साइज की कटोरी लेनी है। साथ में आपको लेने हैं दही, जो दही होनी चाहिए वो आपकी आधी कटोरी होनी चाहिए, स्मॉल कटोरी आधी दही होनी चाहिए, और साथ में फुल प्लेट आपकी सैलेड की होनी चाहिए गाइस। फुल प्लेट सैलेड में आपको लेने हैं 2 कुकुम्बर्स और 1 गाजर। कल आपने टमाटो लिया था, आज आप गाजर लेंगे, और ये गाजर ही रहेगी, कुकुम्बर और गाजर 2 ही चीजें रहेंगी इसमें। देन आपका दूसरा ऑप्शन जो रहेगा, अगर आप चावल नहीं खाना चाहते, बिल्कुल सिंपल सी चीज घर में बना सकते हैं, आपको लेनी है 1.5 रोटी। मैंने कल भी बोला था रोटी बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल साइज की रोटी, और ये 1.5 यानी 1.5 रोटी होनी चाहिए। साथ में आप लेंगे मूंग दाल। मूंग दाल कैसे बनानी है, इस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है, सेम एज इट इज ही आपको मूंग दाल बनानी है, अपनी तरीके से नहीं बनानी, मेरे तरीके से बनानी है। तो वो जो मूंग दाल होगी वो आप 1 कटोरी ले सकते हैं 1.5 रोटी के साथ, साथ में फुल प्लेट अगेन सैलेड। सैलेड की प्लेट की पिक्चर मैं यहां दिखा देती हूँ, ये ऐसे सैलेड आपको लेना है खूब सारा। ये हो गए आपके लंच के 2 ऑप्शन। अब बारी आती है आपकी इवनिंग स्नैक्स की गाइज। इवनिंग स्नैक्स में आपको लेना है 1 कप ग्रीन टी, अगेन आप मेरी होममेड ग्रीन टी लेंगे, और इस ग्रीन टी के साथ आपको लेना है 1 अलसी लड्डू। अलसी लड्डू आप सब लोगों ने बनाए हुए हैं, क्योंकि मेरे फैंस या फॉलोवर्स जो भी हैं सबने मुझे DM किया था, मैंने भी बना लिए, तो बहुत सारे लोगों ने बनाए, तो आपको वो 1 अलसी लड्डू लेना है। बट जिन लोगों ने नहीं बनाए हैं, या तो वो आज इसको बना लें, रेसिपी देख लें, 10 मिनट में बन जाएंगे, मुश्किल नहीं है। और अगर नहीं बना सकते तो आपको लेने 1 मुट्ठी मखाने, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, 1 मुट्ठी आपको मखाने ही लेने हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप अलसी लड्डू बना लें, क्योंकि आगे भी मैं ये डाइट में ऐड करूंगी। नेक्स्ट बारी आती है आपकी डिनर की। डिनर में आपको मैं 3 ऑप्शंस दे रही हूँ, और आज डिनर में आपका सूप ही रहेगा, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट हैवी दिया है, लंच भी मैंने आपको प्रोटीन वाला ही दिया है डाइट में, तो डिनर में आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैं पोस्ट कर रही हूँ 3 सूप रेसिपीज, पालक सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप और पम्पकिन सूप। ये विंटर डाइट प्लान में आपको पम्पकिन सूप मिल जाएगा, तीनों में से आपको जो पसंद हो, मेरी तरफ से बेस्ट पूछोगे तो मिक्स वेजिटेबल सूप है, बाकी आपको तीनों में से जो पसंद है आप वो बना सकते हैं, और मेरे ही तरीके से बनाएंगे। अब बारी आती है दोस्तों आपकी नाइट ड्रिंक की। तो नाइट ड्रिंक, आपने पूरे दिन भर कुछ ना कुछ खाया है और आपका टमी पूरा फुल रहेगा, 10 ग्लास आपको पानी पीना, और पानी आपका पूरे दिन भर में गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुके हैं। नाइट ड्रिंक में आपको क्या करना है, आपने सिर्फ 1 ग्लास थोड़ा सा तेज गर्म, गुनगुने से थोड़ा सा तेज गर्म पानी लेना है,
और आपको इसमें डालनी है आधा चम्मच सौंफ। सौंफ को आपको पहले बॉईल कर लेना है और ये पानी गुनगुना होना चाहिए, फिर उसको छान लें और आप सिप सिप करके पी के सो जाएं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आपका खाना जो आपने पूरे दिन भर में खाया वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ये आपका लास्ट मील है और ये आपने एक कांच का गिलास इतने साइज का होना चाहिए, आधा चम्मच सौंफ बॉईल करने, उसे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। और पानी जो है गुनगुने से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं वैसे आपको सिप सिप करके पीना है। ये आपका लास्ट मील रहेगा। तो ये रहेगी आपकी आज की सेकेंड डे की डाइट। ध्यान रखिएगा गाइस, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, मैंने कहीं पे चीनी नहीं ऐड की। चीनी आपको मीठा जो है मैं खिलाऊंगी, लेकिन सेवेंथ डे पे हम खाएंगे चीट मील के तौर पे। अभी आपको सिक्स डे, वैसे अलसी लड्डू में मीठा है तो आपने खा लिया, वैसे तो जो लोग बना लेंगे उनके लिए तो ये बोनस हो गया एक तरह से। अब बारी आती है हमारे आज की एक्सरसाइजेस की, तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइजेस। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर एक कार्डियो वर्कआउट डाला था और मैंने आपको बोला था कि आप लोग मुझे बार बार बोल रहे थे कि हमारे लिए कार्डियो लाओ, दोनों चीजों का मिक्सचर लाओ, हम अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करके वेट लॉस करना चाहते हैं। तो बेस्ट रिजल्ट्स अगर आपको इन 10 डेज में चाहिए तो आपको ये कार्डियो वर्कआउट पूरा करना है। अब देखो मैं यहाँ पे बहुत फास्ट कर रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि मैं फास्ट कर रही हूँ, आप लोग स्लो करोगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको म्यूजिक के साथ ही करना है। तो वीडियो आप सामने छोड़ दीजिए चला के, और जैसे जैसे मैं स्टेप कर रही हूँ सेम फॉलो करते रहिए, चाहे आप धीरे करें, पर यह ध्यान रखिएगा जब आप इस कार्डियो को करेंगे पूरी तरह से म्यूजिक को एंजॉय करना है, और सिर्फ वहां पर देखना है कि मैं क्या स्टेप करा रही हूँ और कोशिश करना है उसको फॉलो करने की, क्योंकि जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं वो धीरे कर रहे हैं, मैं फास्ट कर रही हूँ, अगर उनको स्वेटिंग हो सकती है आपको भी हो सकती है। तो ये सिर्फ आपका 18 मिनट का कार्डियो वर्कआउट है जो आपको करना है, और उसके साथ मैं आपको सिंपल 5 एक्सरसाइजेस कराऊंगी। पहले ये 18 मिनट का कार्डियो वर्कआउट करेंगे, जिन लोगों को अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप एलईडी में चलाएं, आपको क्लियर स्टेप्स दिखेंगे। और अगर आप यहां पर इंडिया में और एलईडी में चला सकते हैं तो आपको एलईडी में ही चलाना चाहिए ताकि आपको स्टेप्स क्लियर दिखें आपके, अदरवाइज आप अपने फोन में चलाइए, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। उसके बाद हम करेंगे सिंपल 5 एक्सरसाइजेस, और वो 5 एक्सरसाइजेस के कितने सेट कितने रेपिटेशन करने हैं वीडियो के साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइजेस। तो दोस्तों हमारी पहली एक्सरसाइज रहेगी स्टेप बैक जैक, जिसके आपको लगाने हैं 3 सेट्स, वो भी 25 रेपिटेशन के। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों आपकी कमर के और पेट के फैट को कम करने के लिए, साथ ही साथ आप अपना थाई फैट और आर्म्स का फैट भी अच्छा खासा रिड्यूस कर पाएंगे। दोस्तों आपको अपने पैरों को इस तरह से पीछे की तरफ लेकर जाना है और अपने हाथों को ऊपर हवा में उठाना है, और इस तरह से एक लेग से आपको 25 टाइम्स करना है और दूसरी लेग से भी आपको 25 टाइम्स करना है। ये बन जाएगा आपका एक सेट जिसके आपको लगाने हैं 3 सेट्स, और वो भी 25 रिपीटेशन के, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको बहुत ज्यादा स्पेस की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकंड एक्सरसाइज में दोस्तों हम करेंगे बर्पीज, लेकिन बर्पीज को हम 2 फॉर्म्स में करेंगे। पहली फॉर्म रहेगी स्लो बर्पीज और दूसरी फॉर्म रहेगी फास्ट बर्पीज। स्लो बर्पीज में आपको लगाने हैं 2 सेट 15 रिपीटेशन के, और बहुत ही आराम से हाथों को जमीन पे सटाएं, पैरों को पीछे लेकर जाएं, फिर अपने पैरों को आगे लाएं और वापस ऊपर की तरफ खड़े हों। लेकिन फास्ट बर्पीज में दोस्तों आपको थोड़ा सा जंप करना है, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट करके नहीं दिखाया, बहुत आराम से कर रही हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आए। आपको फास्ट जंप नहीं करना है, आपको सिंपल स्लो जंप करना है, आगे पीछे देन ऊपर जाके फिर से जंप करना है, और दोनों ही बर्पीज के आपको लगाने होंगे 2 सेट्स 15 रेपिटेशन। बर्पीज एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपका ओवरऑल बॉडी फैट एंड वेट रिड्यूस करने के लिए, और ये आपकी टमी को बहुत अच्छी शेप देती है दोस्तों, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आप ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है लेटरल आर्म सर्कल। दोस्तों इस एक्सरसाइज के भी आपको लगाने हैं 3 सेट्स 25 रेपिटेशन। इस तरह से अपने पैरों को पीछे लेकर जाएं और पीछे ले जाते हुए अपने हाथों को पूरी तरह से घुमाएं। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी ब्रेस्ट साइज को रिड्यूस करने के लिए, और जिन लोगों की ब्रेस्ट जो है वो प्रॉपर शेप में नहीं होती, लटकी हुई होती है, वो भी इस एक्सरसाइज से अपनी ब्रेस्ट को टाइट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये आपके टमी फैट को भी रिड्यूस करेगी, आपके थाई फैट को भी रिड्यूस करेगी, और आपके लव हैंडल्स पे भी असर करेगी। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ नहीं करना, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस करके भी आप वेट लॉस कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेटरल स्टेप रीच, जिसके आपको लगाने हैं 3 सेट और वो भी 25 रेपिटेशन के साथ। आपकी ये एक्सरसाइज आपकी इनर थाई पर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देने वाली है दोस्तों। आपको एक तरफ पैर को खींचते हुए इस तरह से झुकना है और ऑपोजिट हाथ से आपको टच करना है। याद रखिए दोस्तों, आपका एक हाथ हवा में रहना चाहिए और दूसरे हाथ से ही आप ऑपोजिट लेग को टच करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ 3 सेट करने हैं, 25 रिपीटेशन। आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी एक्सरसाइजेस कब कंप्लीट हो गई और आप बहुत ही आसानी से अच्छा खाना खाकर भी अपना वेट रिड्यूस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आखिरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है प्लैंक जैक्स। इसके आपको लगाने होंगे 4 सेट्स, वो भी 25 रिपीटेशन के साथ, और ये आपको बहुत आराम से लगाने हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको फास्ट फास्ट करने की, लेकिन फुल ऑन मोटिवेशन के साथ लगाने हैं और अपने आप से ये बोलना है कि मैं कर सकती हूँ। जब आप एक्सरसाइज को पूरी एनर्जी के साथ करेंगे और अपने आप से कहेंगे कि मेरे पास ये 10 दिन है अपने आप को पतला करने के लिए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने के लिए और बहुत ही इजी एक्सरसाइज के साथ आप वेट लॉस भी कर पाओगे। सो आई होप गाइज, आपको आज का ये वर्कआउट चैलेंज जो डे 2 है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप पूरी एनर्जी पूरे मोटिवेशन के साथ इसको फॉलो करने वाले हैं। देखो गाइज, मैं अपने क्लाइंट्स को छोड़कर मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, मैं स्पेशली आपके लिए यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज छोड़ के वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मुझे मेरी एक्सरसाइज में 15-20 मिनट कम कर लूँगी, लेकिन आपके लिए ज़रूर शूट करूँगी। यहाँ पे 15-20 मिनट की बात नहीं है गाइज, इस पूरे वीडियो को एडिट करने में मेरी बेटी को 3 से 4 घंटे लगते हैं एंड शी इज़ इन 10th स्टैंडर्ड। तो प्लीज़ अगर मैं बना रही हूँ तो फिर फॉलो भी करो यार, अदरवाइज मुझे भी लगेगा कि इनको नहीं करना तो मैं अपना टाइम उन पे क्यों वेस्ट करूँ जो करना नहीं चाहते। आप भी जानते हैं, इस वक्त आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैम हमें ऐड कर लीजिए, हमें ऐड कर लीजिए। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ वीडियो ना बनाऊँ और मैं वही टाइम क्लाइंट्स ऐड करने में लगाऊं तो मैं अच्छा खासा कमा सकती हूं ना गाइज, लेकिन मैं चाहती हूं आप लोगों की दिल से हेल्प करना, क्योंकि आप लोग ही थे जिन्होंने मेरी एक्सरसाइजेस को पसंद किया, जिन्होंने मेरे वीडियोस को पसंद किया और मुझे आप इतना ऊपर लेकर आए। तो अब अगर आज मेरे पास मौका है आप लोगों को सपोर्ट करने का तो मैं छोड़ना नहीं चाहती, मैं दिल से आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूं। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर देख रहे हो तो फॉलो भी करो यार, प्लीज़ करो और शेयर करो, जिस जिसको नीड है उन सबके साथ शेयर करो ताकि सब लोग अपना वेट लॉस कर सके। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो थम्स अप दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियोस की डेली की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलें और मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो इवनिंग तक पोस्ट हो जाए। तो मिलते हैं कल गाइस, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। 10 डेज के बाद ही अब दूसरा वीडियो डलेगा, बीच बीच में मैं ट्राई करूंगी अगर रेसिपीज की वीडियोस डाल पाई तो मैं जरूर डालूंगी। स्टे ट्यून्ड।